शांति होता है वो आपको और बातों से मैं स्पष्ट करता हूं। हम सभी जितना कर्मों की ज्ञाता बनते हैं तो कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचते हैं। सारी दुनिया में हर एक का हिसाब किताब किस में मेंटेन किया जाता है। अगर एक फैक्ट्री हो, एक कंपनी हो, एक बड़ा बिजनेस हो, तो वहां कई तरह के अकाउंट्स होता है, वो सब किस में मेंटेन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बोलिए, मेरे बात समझिए। एक कंपनी होता है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट का कई बिल्स होता है, परचेस डिपार्टमेंट का बिल्स होता है, सैलरी का बिल्स होता है, वो सब किस में डालते? ओके, वो तो कंप्यूटराइज के बाद नहीं बोल रहा हूं। बिल्स होता है वो किस में डालता है? फाइल्स। किस में डालता है? फाइल्स। हमारा जीवन में भी वैरायटी फाइल्स होता है। आज आप सुनेंगे उस फाइल्स की कहानी। हम सब आत्माएं इस शरीर से तो पूरा निर्बंधन थे, हमारे लिए कोई फाइल नहीं थे। जब आत्मा ब्रह्मांड के कनेक्शन में आ जाता है तो पहला फाइल होता है फाइल नंबर वन। फाइल नंबर वन यानी ये शरीर। ये शरीर को क्या कहा जाता है? फाइल वन। फाइल वन माना क्या है? बॉडी। फाइल वन क्या है? बॉडी। हमारा आत्मा का हिसाब के अनुसार ही शरीर मिलता है। कोई चुन के आता है, मैं गोरा रहना है, मैं काला रहना है, मैं मोटा रहना है, मैं पतला रहना है, मैं गिट्टू रहना है, कोई चुन के आता है क्या? चॉइस है क्या? आपको पूछ के आता है क्या? ये सब प्रकृति का क्रिएशन कैसे आए? कैसे आए? एक एग्जाम्पल बता दो। कई लोग बहुत मोटापा में रहता है, बट दे आर नॉट हैप्पी विद दैट ओबेसिटी। उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कभी किसी को डिमांड किया क्या, मुझे इसे ओबेसिटी में रहना है? वो कैसा होगा? एक साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा, एक महिला था, उसका वजन 150 केजीस, 150 केजीस। उसको सब तरह से जीवन में जो चाहिए वो सब है, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रह सकता उसका शरीर का बोझ के कारण। तो उसने सब तरह से भी जानकारी लेते गया और ये होता है ना, जो पोस्ट लाइफ के कई इसमें लेके जाकर के उसको बताता है उसका प्रॉब्लम। हाँ, पोस्ट लाइफ के कुछ हिप्नोटिज्म कुछ करते हैं, तो उसमें लेके गया, तो उसमें पता चला पिछले जन्म में वो महिला बहुत बड़ा एक एथलेटिक थे, यानी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी एक चैंपियन थे। लेकिन उसमें एक आदत था, जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स कंप्लीट करके आते हैं, एक महिला को देखते थे, वो बहुत मोटा था, उसको देख करके वो बहुत हंसते थे, उसको देख करके वो बहुत मस्ती करते थे, उसके प्रति बहुत एक तरह तिरस्कार की भावना करते थे। वो महिला को बहुत मन को दुख होता था, वो अंदर ही अंदर रोता था, वो अंदर रोते 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 अपने आप को बहुत गिल्ट फील करता था, मैं क्यों ऐसे पैदा हो गया, भगवान मुझे ऐसे क्यों हो गया, मेरा शरीर क्यों इतना वजन है। तो इसी का रिजल्ट वो महिला को क्या मिला?
मोटापा, इसीलिए बाबा आपको बहुत सुंदर बात बता दिया, कोई भी नाम में रूप में फंसना नहीं, देखना है तो देखो, केवल आत्मा को देखो, शुद्ध आत्मा को देखो। ये काला है, गोरा है, पतला है, ये लंबा है, ये मोटा है, गिट्टू है, ये देखने में खूबसूरत है, देखने में इतना अच्छा है, ये सब क्या है? इसका बाल इतना जल्दी क्यों सफेद हो गया? ये कौन सी ब्यूटी पार्लर में जाता है, इतना खूबसूरत लगता है? ये कौन सा सेंट लगाता है जो हमेशा इसके पास जाएंगे तो आपको अच्छा लगता है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? देह के बंधन में बांधना। भगवान का एक महावाक्य आप सबको सुनाता हूं, संगम युग में जो इतने खूबसूरत नहीं होता है वो भी भाग्यवान है, क्योंकि उसके तरफ कोई आकर्षित नहीं होता तो कर्म ही बनता नहीं। संगम युग में जो गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास होता है, वो भी भाग्यवान है, उसको परमात्मा सेवा करने का समय मिलता है। जिसके पास बहुत करोड़ों रुपया होता है वो संभालने नहीं, वो कर्म में चले जाता है, भगवान का काम करने के लिए योग्य नहीं है। ये लॉटरी है, हमको मिला है मिडिल क्लास लाइफ, क्योंकि बाबा हमारे लिए। अगर आप कोई लखपति करोड़पति या कोई अंबानी या कोई लक्ष्मी मित्तल या कोई बिल गेट्स के जमाने में आ गए तो आप यहाँ आकर के ये बट्टी के लिए टाइम ले सकते थे, अपने कर्मों की कहानी सुन सकते थे, आप अपने को परिवर्तन करने का संकल्प कर सकते थे? नहीं, हर चीज में हमारा भाग्य है, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर हमको चुना है। दादी प्रकाशमणि, कोई बहुत देखने के लिए काला होता है तो बहुत प्यार से बुलाता था, आओ श्याम सुंदर आओ, दादी का वो प्यार सबको खींचता था। इसका मतलब ये है हम सभी आत्माएं कर्मों को बहुत गहरे रूप से